अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, ये वीडियो उनके लिए बहुत अहमियत कामिल है जो क्वेटे से इसको व्यू कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को एक अहम इशू जो मॉडर्न इराक की रिक्वायरमेंट है, आजकल सोसाइटी में लोग इंग्लिश को एक अहम हिसाब से देखा जाते हैं, क्योंकि जब जिसको इंग्लिश आता है तो उनके लिए काफ़ी कोर्सेस आसान होते हैं। और आज मैं आप लोगों को एक रिकमेंड सेंटर करूंगा कि कौन से सेंटर क्वेटे में अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं। सेंटर सभी अच्छे होते हैं, पर डिपेंड हम पर ही करता है कि कितना हम फोकस करते हैं अपने स्टडी को। देखो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक स्किल नहीं, हुनर नहीं, एक लैंग्वेज ज़ुबान है। और इसको सीखने के लिए आपको ज़रूरी है इसको सीखना, क्योंकि आजकल हर चीज़, हर वो चीज़ जो आप इल्म हासिल कर रहे हो, हर वो चीज़ जो आप हासिल कर रहे हो, वो इंग्लिश में हो। जब इंग्लिश आपको आएगी तो आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ से। अगर इंग्लिश नहीं आती तो फिर आपको कैसे इन चीज़ों को समझ आएंगे। तो दोस्तों, इंग्लिश जो ज़ुबान है, इसके लिए क्वेटे में काफ़ी हर गली में सेंटर्स मौजूद है, लैंग्वेज सेंटर्स मौजूद है, लोग कोर्सेज करवा रहे हैं। तो आपका रोल इसमें बहुत अहम है, आप रेगुलर बन जाए, जिस भी सेंटर को आप ज्वाइन कर लेते हैं आप रेगुलर बन जाए। जब आप रेगुलर बन जाते हैं तो आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो स्पीकिंग है, वो बहुत इंतहाई पुरमिजाज बन जाती है और आप फील कर रहे होते हैं कि मेरी इंग्लिश ठीक होता जा रहा है। तो दोस्तों, आप क्वेटे में जहाँ भी रह रहे हो, मैं किसी सेंटर को अपोजिट नहीं करता, सारे सेंटर्स अच्छे, लेकिन कुछ रिकमेंड जहाँ मैंने एडवांस की थी 2016 में, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, आप वहाँ जाइए, आप लर्निंग करें। आप स्टेज में हो, जिस स्टेज में हो, कॉलेज लाइफ में हो, यूनिवर्सिटी लाइफ में हो, स्कूल लाइफ में हो, आपकी जब इंग्लिश अच्छी होगी, आप स्पीकिंग कर सकते हो इंग्लिश में, तो बहुत अहम रोल आपका जो इंग्लिश है वो अदा करता है, आगे आपको बहुत हेल्प करेगा CSS लेवल पर, PTS, BCS लेवल पर, जब आप यही इस टाइम आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों, लैंग्वेज सेंटर्स बहुत काफ़ी है, तो मैं आपको गिने चुने जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जैसे कि चैलेंजर अकेडमी हो गया, आइडियल अकेडमी हो गया, विंसम हो गया, BCC हो गया, मतलब काफ़ी इदारे फेमस है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड स्पीकिंग के हिसाब से विंसम लैंग्वेज सेंटर जो स्लैटॉन में है, मैंने एडवांस की थी 2016 में, तो मुझे 2 साल लगा था उस टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी हो गई थी उस टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह भी अच्छी है। लेकिन आप जब फ्री होते हो एक घंटा है इंसान का, तो आप वहाँ ज्वाइन कर ले, फीस भी महदूद है, लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 महीने का कोर्स है। आप लैंग्वेज ज्वाइन करें, इंसान अकेडमी को ज्वाइन करें, इससे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। अगर आप ग्रामर के हिसाब से देखते हो कि ग्रामर भी ठीक करवाना है, तो आप चैलेंजर जाए, आइडियल को फोकस रखें, आइडियल को वहाँ एडमिशन ले, तो आपकी 6 साल का कोर्स है, 2 साल में लोग करवाते हैं, 1 साल भी करता है, डिपेंड आप पर करता है आप कितने फोकस, कितने रेगुलर जाते हो। तो आप बराए करम अपने टाइम को वेस्ट मत करें, आप ज्वाइन करें। सेकंड टाइम आप किसी भी 1 घंटे आप मखसूस करें, आप सेंटर ज्वाइन करें, इससे ये भी आपकी जो स्पीकिंग लेवल है वो बहुत हाई बूस्ट अप हो जाएगी, और जो आपके लर्निंग जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लैंग्वेज से ठीक होती है, क्योंकि लैंग्वेज इदारों में आपको फ्रंट पर लाए जाते हैं टॉपिक्स के लिए। तो जब आप फ्रंट पर आते हो तो आप लोगों को फेस करते हो, जब आप लोगों को फेस करते हो, आपका जो बोलने का अंदाज, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, बॉडी लैंग्वेज, हाई कंटेंट बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप हर टाइम क्लास को व्यू करते हो, क्लास को देखते रहते हो, टीचर्स की मौजूदगी में आपकी जो स्पीकिंग लर्निंग स्पीकिंग जो पावर है वो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि टीचर्स आपको गाइड करता रहता है। और वहाँ पर प्रेजेंटेशंस होते हैं, कंपटीशंस होते हैं, मतलब आपको टॉपिक दी जाती है, आप बोलते रहते हो, तो मुसलसल बोलते रहते हो, आपकी जो स्पीकिंग जो पावर है वो बहुत अच्छी होती है। तो कोशिश करें आप ज्वाइन करें, किसी भी इदारे को आप ज्वाइन करें, विंसम को ज्वाइन कर सकते हो आप, चैलेंजर को ज्वाइन कर सकते हो, मुख्तलिफ इदारे आपके गलियों में मौजूद है, आप ज्वाइन करें, फ्री में अपना एक टाइम महसूस करें, आप 1 घंटा ज्वाइन करें, आपसे आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत इसमें बेहतरी, काफ़ी बेहतरी आ जाएगी, और आपको आगे इंग्लिश जो ज़ुबान है बहुत हेल्प करेगी। आप जहाँ पर भी जाए, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉडर्न इरा है, एक बैन अवी ज़ुबान है, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, सो वाई यू आर नॉट लर्निंग इट, सो बी केयरफुल ऑफ योर टाइम एंड टेक एडमिशन एनी इंस्टीट्यूट, सो don't waste your time, because this time is very precious. I am recommending you some centers, so you have to join the centers, because if you join then you will come to know what the speaking level is and what how to improve language from how to improve our language speaking power from languages. So aap join kare, aap ko main suggestion de raha hu, aap join kare, please
आप विंसन को बिल्कुल ज्वाइन करें, क्योंकि आपकी स्पीकिंग जो लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है, इससे बूस्टअप होती है। तो ये थी आज की जो पैगाम, जो व्यूअर्स क्वेश्चन से इसको देख रहे हैं तो ज़रूर इसमें को ज्वाइन करें। जो बाहर है वो भी अगर क्वेश्चन में रहते हैं तो जब फ्री में क्वेश्चन कभी कभी मौका मिल जाता है और आते थे ज्वाइन करें तो ये आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना रखिए ख्याल, और दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इससे ये होगी आपकी जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएंगे, और हम भी, क्योंकि एक सब्सक्राइब से हमारी हौसला अफजाई होती है और आपको आपको इसमें नहीं जाता, लेकिन आपको भी नए नए वीडियोज़ मोटिवेशन वीडियोज़ आएंगे, पैगाम जिसमें कोई मैसेज हो, जिसमें कोई पैगाम हो, वो भी आपको मिल जाया करेंगे। तो अपना रखिए ख्याल, जज़ाकअल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी एंड थिंक हाउ टू हैप्पी अदर्स।